नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है माय हाउस मैप के इस वीडियो में। और आज हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एक G+2 का काफ़ी मॉडर्न और सिंपल एलिवेशन डिज़ाइन। इस एलिवेशन में काफ़ी जो है यूनिक चीज़ें हमने यूज़ की है। ये एक G+2 की बिल्डिंग है, इसके अंदर जैसा आप देख सकते हैं हमने मैक्सिमम वर्क जो है वो ब्रिक प्लास्टर जैसे कि ये टाइल्स यूज़ हुआ है, CNC भी हमने यूज़ किया है, कलर्स भी जो है हमने काफ़ी वाइब्रेंट कलर यूज़ किए हैं। साथ में जो है अगर आप देखेंगे तो बालकनी में कहीं पे बॉक्सेस स्टाइल में बॉक्स टाइप बालकनी दी है, साथ ही में हमने कॉर्नर बालकनी को राउंड रखा है। तो ये काफ़ी एक यूनिकनेस लेके आया है इस बिल्डिंग में। जैसे कि एक एलिमेंट ये भी देख सकते हैं आप, ये कॉलम यहाँ से ग्राउंड से लेके टॉप तक गया एंड देन हमने इसके ऊपर जो है परगोला को रेस्ट करवाया है। तो इसमें बहुत सारी काफ़ी यूनिक चीज़ें हमने डाली हैं और जो कलर और ओवरऑल थीम जो है वो काफ़ी सिंपल है बट काफ़ी यूनिक और मॉडर्न है। इसका साइड प्रोफाइल देखते हैं। साइड प्रोफाइल में भी आप देखेंगे तो हमने जो है बालकनी को स्क्वायर रखा है, साथ ही में कुछ बालकनी में जो है हमने कुछ एलिमेंट डाल के इसको तीन पार्ट में डिवाइड करने का ट्राई किया है। और रेलिंग जो है हमने साइड और फ्रंट में हमने ग्लास यूज़ किया है और कॉर्नर बालकनी में जो है हमने SS के जो है ग्रिल यूज़ किए। और इस तरह से हमने जो है इस एलिवेशन को डिज़ाइन किया है। तो ये साइड प्रोफाइल और ये फ्रंट प्रोफाइल कैसा लगा आपको कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अब हम लोग इसके फ्लोर प्लान के बारे में बात करते हैं। ये इसका 3D फ्लोर प्लान है। 3D फ्लोर प्लान में जो है ग्राउंड फ्लोर पे आप देख सकते हैं कि एक कार पार्किंग हमने दिया हुआ है, इसमें आप आराम से 2 से 3 कार जो है पार्क कर सकते हैं। और एंट्री जो है आप एक कॉमन एरिया में आपकी एंट्री होती है, देन आप जो है स्टेयर से फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर को एक्सेस कर सकते हैं। और उसी कॉमन एरिया से जो है ग्राउंड फ्लोर पे आपको एक ड्राइंग रूम मिल जाता है। एक्चुअली ये सिंगल फैमिली का ही घर है, तो अगर कोई गेस्ट वगैरह है तो आप उसको ग्राउंड फ्लोर पर ही जो है आप लिविंग ड्राइंग रूम में जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ जो है ग्राउंड फ्लोर पर गेस्ट बेडरूम और एक टॉयलेट दिया हुआ है, तो ये काफ़ी आपको प्राइवेसी देता है अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है तो। और फर्स्ट फ्लोर पे जो अगर आप देखते हैं तो स्टेयर से ऊपर आने के बाद फिर से एक कॉमन एरिया आता है पैसेज, उससे आप जो है एक ड्राइंग कम लिविंग एरिया में एंटर कर जाते हैं। और इसी ड्राइंग कम लिविंग एरिया से आप जो है दोनों बेडरूम, एक जो है मास्टर बेडरूम जो आप यहाँ देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम जो है अटैच टॉयलेट के साथ, और एक इसी लिविंग एरिया से आप जो है एक नॉर्मल बेडरूम को भी एक्सेस कर सकते हैं। इसी लिविंग एरिया में जो है आपको एक कॉमन टॉयलेट मिल जाता है, साथ ही में लिविंग कम ड्राइंग से आपको जो है बालकनी जो आपने एलिवेशन में भी देखा होगा राउंड बालकनी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा सिट आउट एरिया मिल जाता है। एंड फिर जो है हम बात करते हैं किचन के साथ, हमने यहाँ पे डाइनिंग एरिया दिया हुआ है और किचन के साथ भी हमने एक बालकनी जो है दी हुई, और एक बालकनी आपके मास्टर बेडरूम को भी मिल जाती है। तो ये काफ़ी खुला और ओपन जो है 3D फ्लोर प्लान हमने बनाया। एक्चुअली ये 3D फ्लोर प्लान है, आप भी चाहें तो अपने घर का 2D प्लान को 3D में जो है कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये जो है डिज़ाइन कैसा लगा आपको, ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप भी इस तरह की सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो कॉल कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।